हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये देखा होगा, नेल एंड ग्रोन होने पे कुछ टाइम बाद हमारा एसिड पस निकलने लगता है। नॉर्मली ये डिसीज़ बहुत लोगों को होती है। ये नेल एंड ग्रोन हो रखा है स्किन के अंदर को। फिर मैंने इसमें एक एलोपैथिक ट्यूब यूज़ की थी, मोमेटासोन करके थी। इससे भी मैंने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं देखा था, तो फिर मैंने सुमैग यूज़ किया था। सुमैग यूज़ करने के बाद थोड़ा पस, गंदा पस और ब्लड बाहर को रिमूव हो रहा था, बट इससे भी मैंने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं देखा। सारी वाद्य रिस्ट ले रही हूँ जो, अगर ये डिसीज़ मुझे लगता है कि जैसे स्किन प्रॉब्लम या कोई फंगस प्रॉब्लम होगी इसमें, या ब्लड ब्लड इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो सारी वैद्य रिस्ट बहुत काम करेगी। अगर ये प्रॉब्लम जो है कि ब्लड प्रॉब्लम या स्किन प्रॉब्लम के कारण हुई होगी, तो सारी वैद्य रिस्ट ले रही हूँ मैं अभी। और ये आप ये यहाँ पर देखिए, सारे दे रखे हैं सेवन विधि वगैरह सब कुछ, कि कितना आपने कितना लेना है, या चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप लीजिए। उसमें नेल्स की साइड से तो उसके लिए सौथारी लौह जो है ये सूजन वूजन की प्रॉब्लम को कम करेगी। इससे भी मैं अच्छा फ़ायदा देख रही हूँ। तीसरा मेडिसिन में रक्त शोधक का ले रही हूँ, वैद्यनाथ का, जो ये भी ब्लड एंड स्किन डिजॉर्डर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी मैं अच्छा बेनिफिट देख रही हूँ इसमें। और बाकी डॉक्टर्स तो एडवाइस कर रहे हैं कि इसको ऑपरेट करा लीजिए, बट ऑपरेट कराने का भी मेरा मन नहीं है, तो मैं ये सारी टैबलेट्स आयुर्वेद की ले रही हूँ। और इनसे मैं रिस्पांस भी देख रही हूँ कि रिस्पांस मिल रहा है।